तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू ली है मैंने 2-2, इसको छोटा छोटा काट लिया। तेल में जीरा देके इसको तेल में अच्छे से थोड़ा कड़क करने के बाद गोभी डालेंगे। गोभी भी मैंने हाफ ले लिया है, थोड़ा पतला पतला करके गोभी काटिएगा ताकि क्या है कि अच्छे से सीख जाए गोभी। आलू गोभी में यही है कि इसको सेकना अच्छे से आना चाहिए, कच्चा रह जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा इस सब्ज़ी का। थोड़ा सा सीखने के बाद मतलब 5 से 7 मिनट तब मैंने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सीख जाए तब डालिएगा, पहले मत डालिएगा नहीं तो क्या पूरा गल जाएगा सब्ज़ी। और मैंने मटर भी ऐड किया, इसको थोड़ा सा चला के इसको ढक के छोड़ दीजिएगा। अब देखिए मैं इसमें फ़ोटो में आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे काट के आप देख लीजिएगा कि आलू सीखा है कि नहीं। आलू जब सीख जाए तब आप इसमें एक टमाटर ऐड कर दीजिए, टमाटर आपका चॉइस, नहीं भी ऐड करना चाहो तो मत करना। देखिए अब टमाटर आलू गोभी सब गल गया, आप इसको दबा दबा के देख लीजिए वरना सब्ज़ी कच्चा रह जाता है, और सब्ज़ी कच्चा रह जाता है तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है इसमें। मैं देखिए इसको ऐसे चम्मच से ऐसे दबा के देख रही हूँ, गोभी हो चुका है और आलू को भी आप इसको दबा कर देख लीजिए। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी, गरम मसाला, जीरा, धनिया और लाल मिर्ची। इसमें मैंने कोई भी लहसुन प्याज नहीं डाला है कि बिना लहसुन प्याज के बनाया। अभी मैंने इसमें क्रीम भी ऐड कर दिया, क्रीम से जो है सब्ज़ी में रिचनेस आएगी और स्वाद भी आएगा और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी तो अच्छा लगता ही है। तो अब देखिए ये सब्ज़ी हो गया है क्योंकि इसमें जो है तेल अलग हो गया है। अब देखिए रेडी हो गया है, खाइए फ्रेंड्स, इन्जॉय करिए, बाय।